नमस्ते दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कल्ट फिट यूट्यूब चैनल पर। आज की हमारी क्लास हट योग के ऊपर है और इस तरह की और क्लासेस के लिए आप कल्ट फिट ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं हम आज की क्लास। आप सभी का हमारी आज की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम नवीन है और यह मेरी साथी टीचर श्वेता हैं। आज की इस हट योग की क्लास में हम सूर्य नमस्कार और आसनों का अभ्यास करके अपनी स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी को बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। सुनिश्चित करें कि पूरे के पूरी क्लास में आपका ध्यान आपकी सांसों पर और आपके आसनों के अलाइनमेंट पर है। इस क्लास के अंत में हम अपने शरीर और मन को पूरी तरीके से विश्राम की स्थिति में भी लेकर जाएंगे, तो आप क्लास के आखिर तक बने रहें। चलिए अब शुरू करते हैं हम आज की क्लास। सबसे पहले हम बैठ जाएंगे सुख आसन में आलती पालती मार के, फिर यहाँ से अपनी पीठ को सीधा रखेंगे, अपनी कंधों को थोड़ा सा पीछे की तरफ लेके जाइए, दोनों हाथों को चिन्ह मुद्रा में लेकर आ जाएंगे। यहाँ से अपनी आंखों को बंद कर लीजिए और अपनी सांसों पर पूरा का पूरा ध्यान लगाइए। बहुत ही धीरे से लंबी गहरी सांस लेंगे और धीरे धीरे लंबी गहरी सांसों को बाहर की तरफ छोड़ देंगे। जैसे जैसे आप लंबी गहरी सांस ले रहे हैं, आपका पूरा शरीर और एनर्जेटिक होता जा रहा है। जैसे जैसे आप सांसों को छोड़ेंगे बाहर की तरफ, आप महसूस करेंगे कि आपका शरीर बहुत ही विश्राम की स्थिति में आ रहा है। लंबी गहरी सांस लेते रहें और छोड़ते रहें। आज की इस हट योग क्लास के लिए अपने शरीर और मन को तैयार करने के लिए हम ओमकार का 3 बार चैंट करेंगे। बहुत ही धीरे से अपनी दोनों हथेलियों को एक साथ नमस्कार मुद्रा में छाती के सामने लेकर आ जाएं, लंबी गहरी सांस लें और उसके बाद हम चैंट करेंगे। बहुत ही धीरे से अपनी दोनों हथेलियों को रगड़ना चालू करेंगे। दोनों हथेलियों में एक ऊर्जा लेकर आएंगे। अब दोनों हथेलियों को अपने चेहरे के ऊपर लेकर आएं, ऊर्जा को महसूस करें और धीरे से अपने दोनों हथेलियों को अपनी आंखों के सामने लेकर आएंगे। बहुत ही धीरे से अपनी आंखें खोलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अभ्यास। हमारा सबसे पहला आसन जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं अभी, वो है कटी चक्र आसन। सो सबसे पहले हम इसका डेमोंस्ट्रेशन देखेंगे। डेमोंस्ट्रेशन के लिए श्वेता आपकी मदद करेंगी और मैं आपको धीरे धीरे गाइड करता रहूंगा सभी इंस्ट्रक्शंस के साथ। तो चलिए खड़े हो जाते हैं। सबसे पहले हम अपने मैट के सेंटर पे आ जाएंगे, मध्य पे आ जाएंगे। यहाँ से फॉर कटी चक्रासना के लिए हम दोनों पैरों को अपने कंधों के समानांतर खोल लेंगे। यहाँ से सबसे पहले आप अपने दोनों हाथों को अपनी छाती के सामने लेकर आएंगे मुट्ठी बांधकर।
यहाँ पर आने के बाद लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस छोड़ते हुए अपने दाएं कंधे को पीछे की तरफ मोड़ते हुए अपना राइट हैंड पीछे की तरफ पूरा खोल लेंगे और अपना लेफ्ट हैंड आगे की तरफ पूरा खोल लेंगे। ये हमने सांस छोड़ते हुए किया था, अभी हम सांस लेते हुए वापस प्रारंभिक स्थिति में आ जाएंगे और दोबारा से हम यही चीज दूसरी तरफ करेंगे। इसी तरीके से हम इसको पूरी 10 बार करने वाले हैं। हर बार आपको ये सुनिश्चित करना है कि आप जब सेंटर पे हैं, सामने की तरफ देख रहे हैं, आप सांस ले रहे हैं, और जब आप पीछे की तरफ मुड़ रहे हैं, आप सांस छोड़ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोनों पैरों को अपने कंधों के बराबर खोल लीजिए। यहाँ से अपने दोनों हाथों को अपनी छाती के सामने लेकर आएंगे, मुट्ठी बांध करके रख सकते हैं। सांस लेंगे लंबी गहरी और सांस छोड़ते हुए दाईं तरफ मुड़ जाएंगे। दोनों हाथों को खोल लीजिए, सांस लेते हुए दोबारा से सेंटर पे आ जाएंगे और अब जाएंगे हम बाईं तरफ। सांस छोड़ेंगे, दोबारा से आ जाएंगे हम, दूसरी बार करेंगे दो। एक्सहेल, सांस छोड़ते हुए आप राइट की तरफ जाएंगे, धीरे से वापस आ जाइए। लेफ्ट की तरफ जाएंगे सांस छोड़ते हुए और दोबारा से हम वापस आ जाएंगे। तीसरी बार करेंगे हम, दोबारा से सांस छोड़ते हुए पीछे, सांस लेते हुए आगे, सांस छोड़ते हुए बाईं तरफ, सांस लेते हुए सामने की तरफ। चार, चलिए इसको करते रहेंगे अब हम पूरे 10 बार। सांस लेते हुए सामने और छोड़ते हुए बाईं तरफ। पांच, और धीरे से आप सेंटर पे आके अपने दोनों हाथों को नीचे की तरफ रख लेंगे, कंधों को पीछे की तरफ घुमाएंगे। एक और लंबी गहरी सांस लीजिए और एक लंबी गहरी सांस छोड़ेंगे हम। यहां से हमारा शरीर पूरे तरीके से तैयार है आज की सूर्य नमस्कार के अभ्यास के लिए। सूर्य नमस्कार के अभ्यास के लिए सबसे पहले हम अपने योगा मैट के बिगिनिंग पे आ जाएंगे, उसके स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाएंगे। यहाँ से आप अपने दोनों पैरों को एक साथ रखेंगे। यहाँ के बाद हम पूरे के पूरे 3 साइकिल करेंगे, 3 राउंड्स करेंगे शिवानंद स्टाइल सूर्य नमस्कार के। ना इस सूर्य नमस्कार में श्वेता आपके साथ करेंगी। सो जो पहला सूर्य नमस्कार होगा, पहली साइकिल, उसको हम थोड़ा धीरे करेंगे ताकि आपको पूरा का पूरा अभ्यास अच्छे से समझ में आ जाए, अलाइनमेंट्स और आपकी सांसों के बारे में। और दूसरी साइकिल से हम पेस को, गति को थोड़ा सा तेज कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ से सबसे पहले दोनों पैर आपके एक साथ रहेंगे और आपकी दोनों हथेलियाँ आपकी छाती के सामने आ जाएंगी इन नमस्कार मुद्रा। नमस्कार मुद्रा के बाद हम दोनों हाथों को ऊपर की तरफ उठाएंगे और पीठ को धीरे धीरे पीछे की तरफ मोड़ेंगे, पीछे की तरफ झुकने की कोशिश करेंगे। ध्यान रखिए कि यहाँ पे आपके घुटने थोड़े से मुड़े हुए होने चाहिए और आपका जो हिप्स है वो थोड़ा सा आगे की तरफ हो जाना चाहिए। कंधे पीछे की तरफ, आप आगे की तरफ भी देख सकते हैं और या फिर ऊपर की तरफ देख सकते हैं। ये हस्त उत्तान आसन की स्थिति है। यहाँ से हम सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकना चालू करेंगे। दोनों घुटने थोड़े से मुड़े हुए रहेंगे यहाँ पे और आप अपनी उंगलियों को अपने मैट के ऊपर साइड से लेके जा सकते हैं। ध्यान रखें कि अगर आपको किसी भी तरीके का कमर में दर्द है तो बहुत ज़्यादा आगे जाने की कोशिश ना करें, वहीं पर रह सकते हैं आप, जितना भी आपको आराम से रहने के लिए अलाउ करता है। ये है पाद हस्तासन की स्थिति। यहाँ से हम अपना दायां पैर, राइट लेग, पीछे की तरफ लेके जाएंगे, अपने दाएं घुटने को नीचे रखेंगे और अपने दाएं पंजे को बाहर की तरफ निकालेंगे। आप आगे की तरफ देख रहे हैं, कंधे पीछे की तरफ हैं। लंबी गहरी सांस लेंगे यहाँ पे और सांस छोड़ते हुए दोनों हथेलियों को मैट की तरफ दबाएं और अपना बायां पैर पीछे की तरफ लेके जाएं अपने दाएं पैर के साथ। यहाँ पे आप श्वेता को देख सकते हैं, आपकी दोनों कलाई बिल्कुल कंधों के नीचे होनी चाहिए और आपके पंजे आपके एड़ियों के नीचे होने चाहिए। आप ध्यान रखिए कि आप अपना जो पेट है उसको थोड़ा सा अंदर की तरफ खींच के रखें और आपके जो हिप्स हैं उसको थोड़ा सा टाइट करके रखें। ये संतुलन आसन की स्थिति है। यहाँ पे एक बार और लंबी गहरी सांस लेंगे हम और सांस छोड़ते हुए अपने दोनों घुटनों को धीरे से मैट के ऊपर रखेंगे
और आपकी छाती अपने दोनों हथेलियों के बीच में, और आपकी जो थोड़ी है वो आएगी मैट के ऊपर। यहाँ पे आपको अपने हिप्स को थोड़ा सा ऊपर उठा के रखना है। ये अष्टांग नमस्कार की स्थिति है। यहाँ से आप अपने दोनों पैरों को पूरा सीधा कर लीजिए, अपने पेट के ऊपर आ जाइए। आपके जो दोनों पाम्स हैं, हथेलियाँ हैं कंधों के नीचे, और आप अपने कंधों को पीछे की तरफ उठाएंगे। हम भुजंग आसन की स्थिति में हैं अभी। यहाँ से हम धीरे से दबाव बनाएंगे अपने दोनों हाथों से, और पीछे की तरफ अपने आप को खींचेंगे अपने हिप्स को ऊपर उठाते हुए। यहाँ पे देखिए, अगर आप दोनों एड़ियों को नीचे की तरफ धकेल सकते हैं, अगर वो आराम से कर सकते हैं, अगर नहीं कर सकते तो आप अपने घुटनों को थोड़ा सा मोड़ के रख सकते हैं। यहाँ पे एक बार और सांस लेते हुए हम अपने दाएं पैर को आगे की तरफ लेकर आएंगे दोनों हथेलियों के बीच में। यहाँ से लंबी गहरी सांस लीजिए पहले, और छोड़ते हुए अपना बायां पैर आगे की तरफ लेकर आएंगे अपने दाएं पैर के साथ। धीरे से दोबारा से दोनों हाथों को ऊपर की तरफ उठाइए, और अपनी पीठ को पीछे की तरफ मोड़ने की कोशिश करेंगे। उतना ही करिए जितना आपकी अभी शरीर अलाउ करता है। यहाँ से हम धीरे से अपने प्रणाम आसना की स्थिति में आ जाएंगे, नमस्कार मुद्रा। तो ये था हमारा पहला चरण, इसका पहला भाग सूर्य नमस्कार की पहले राउंड का। इसका दूसरा भाग भी 12 स्टेप्स के साथ है, और वो 12 स्टेप्स जब इस बार हम चालू करेंगे तो लेफ्ट लेग के साथ चालू करेंगे। तो चलिए उसको भी करते हैं। हम दोनों हाथों को दोबारा से प्रणाम आसन की स्थिति में लेकर आएंगे, और दोनों हाथों को ऊपर की तरफ लेके जाइए। हम हस्त उत्तान की स्थिति में हैं, पीछे की तरफ झुक रहे हैं, आगे की तरफ झुकेंगे। सांस छोड़ते हुए अपने दोनों घुटनों को थोड़ा सा मोड़ के रखिए। आप अपनी उंगलियों पे हो सकते हैं अभी। यहाँ से अपने बाएं पैर को हम पीछे लेकर जाएंगे, बायां घुटना नीचे और पंजा बाहर की तरफ। लंबी गहरी सांस लीजिए, और सांस छोड़ते हुए अपना दायां पैर पीछे की तरफ लेके जाएं। हम संतुलन आसन की स्थिति में आ रहे हैं। एक बार और लंबी गहरी सांस लेंगे, और सांस छोड़ते हुए अपने दोनों घुटनों को मैट के ऊपर रखिए, अपनी छाती को दोनों हथेलियों के बीच में और थोड़ी को मैट के ऊपर। आपका हिप्स थोड़ा सा उठा हुआ रहेगा। यहाँ से हम भुजंग आसन की स्थिति की तरफ चलते हैं। धीरे से अपने छाती और कंधों को पीछे की तरफ उठाएंगे। आपके दोनों पंजे बाहर की तरफ रहेंगे, और आपके हिप्स थोड़े से टाइट रहेंगे। यहाँ से हम दोनों पांव, दोनों हथेलियों को दबाएंगे और पीछे की तरफ जाएंगे पर्वत आसन की स्थिति में। दोनों एड़ियों को नीचे की तरफ दबाने की कोशिश करें। लंबी गहरी सांस लेंगे, और आपका बायां पैर आगे की तरफ आ जाएगा, दायां घुटना और दायां पंजा बाहर की तरफ। सांस लेंगे, सांस छोड़ते हुए अपना दायां पैर आगे की तरफ लेकर आइए। अभी दोनों हाथों को सांस लेते हुए उठाएंगे और पीछे की तरफ थोड़ा सा झुकेंगे। वहां से फिर हम नमस्कार मुद्रा में आ जाएंगे। तो ये था हमारा शिवानंदा स्टाइल सूर्य नमस्कार। दोनों हाथों को इस तरीके से नीचे रख लीजिए, दोनों हथेलियों को आगे की तरफ देखने दीजिए। आपके दोनों पैर खुले हुए रहने चाहिए अभी, और धीरे से आप अपनी आंखों को बंद कर सकते हैं। हम यहाँ पे लंबी गहरी सांस लेंगे, और लंबी गहरी सांसों को छोड़ेंगे। आप महसूस करते रहें कि क्या हो रहा है आपके पूरे शरीर में और आपके पूरे मन में। अभी बहुत सारी ऊर्जा आपके शरीर और मन में चल रही है। हमने अभी अभी सूर्य नमस्कार का अभ्यास किया है, उसको महसूस करते रहें कि हृदय की गति, आपकी सांसों की गति, उसको महसूस करते रहें। और जैसे जैसे आपकी हृदय की गति, आपकी सांसों की गति धीमी होती जाएगी, आप धीरे धीरे बहुत ही विश्राम की स्थिति को अपने शरीर में महसूस करने लगेंगे। और जैसे ही आप विश्राम महसूस करते हैं आपके पूरे शरीर में, धीरे धीरे आप अपनी आंखों को खोल सकते हैं। यहाँ से हम अपने आसनों की अभ्यास की तरफ चलते हैं। सबसे पहला अभ्यास जो हम करने वाले हैं वो है पादहस्तासन। पादहस्तासन आपने ऑलरेडी किया है हमारे साथ सूर्य नमस्कार के अभ्यास में, सो इसका हम डेमोन्स्ट्रेशन नहीं करेंगे। हम साथ में ही चलते हैं और एक साथ करते हैं। इसके लिए दोबारा से आप अपने दोनों पैरों को थोड़ा सा खोल लीजिए। थोड़ा सा पैरों को खोल लेंगे तो आपको एक करने में बहुत आसानी हो जाएगी। और यहाँ से
हम धीरे से अपने घुटनों को थोड़ा सा मोड़ेंगे, अपने हिप्स को थोड़ा सा पीछे की तरफ भेजेंगे और यहाँ से आगे की तरफ झुकेंगे अपने दोनों हाथों को लेकर। आप कोशिश करें कि आपकी जो भी उंगलियां हैं वो नीचे की तरफ मैट पे आ जाएं। अगर आप मैट पे रख सकते हैं आराम से, तो वहाँ से कोशिश करें कि आप अपने जो बिग टो है, आपका पैरों का जो अंगूठा है, उसको पकड़ने की कोशिश करें अपनी पहली दो उंगलियों से और अंगूठे से, और यहाँ से थोड़ा सा अपनी कोहनियों को बाजू की तरफ, एल्बोज़ को बाजू की तरफ खोलने की कोशिश करेंगे। ध्यान रखें कि आपके घुटने थोड़े से मुड़े रहें और आपके जो हिप्स हैं थोड़े से पीछे की तरफ रहें। आई होप कि आप इस पॉस्चर में हैं ऑलरेडी, तो इसको हम अभी कंटिन्यू करेंगे पूरे के पूरे 10 सांसों के लिए। लंबी गहरी सांस लेते रहें और छोड़ते रहें। एक, दो, तीन, चार, पांच, छः, सात, आठ, नौ, दस। यहां से अपने दोनों हाथों को सबसे पहले अपनी कमर पे लेकर आएंगे और वहां से धीरे से अपने आप को ऊपर की तरफ उठाएंगे और अपने दोनों हाथों को दोबारा से नीचे की तरफ विश्राम स्थिति में रख लीजिए। लंबी गहरी सांस लेंगे और लंबी गहरी सांस छोड़ेंगे। तो ये था पादहस्तासन। चलिए हम अपने दूसरे अभ्यास की तरफ चलते हैं, जो कि त्रिकोणासन है। सबसे पहले त्रिकोणासना का हम डेमोंस्ट्रेशन देखेंगे, उसके बाद हम साथ में करेंगे। सो त्रिकोणासन के लिए सबसे पहले आप अपने दोनों पैरों को 2 से 3 फीट की दूरी पर खोलेंगे। यहाँ से हम अपने दाएं पैर को दाई तरफ थोड़ा सा खोल लेंगे, आपके जो पैर के पंजे हैं वो दाई तरफ रहेंगे और आपके जो दोनों हाथ हैं वो ऊपर की तरफ रहेंगे अपने कंधों के समानांतर, जिस तरीके से श्वेता ने किया है अभी। यहाँ से आप धीरे धीरे दाई तरफ झुकेंगे, अपना जो दायां हाथ है उसको अपने दाएं पैर के ऊपर रखेंगे। कहीं पे भी रख सकते हैं, अगर आपको आराम लगता है यहाँ पे रखने में, अपने पैर के ऊपर रखने में, तो आप यहाँ पे रख सकते हैं, नहीं तो आप अपने शिन के ऊपर भी इसको रख सकते हैं। ध्यान रखने वाली बात ये है कि आपका जो बायां हाथ है वो या तो सीधा रहेगा, अगर इसको रखने में तकलीफ होती है तो आप अपने बाएं हाथ को अपनी कमर के ऊपर रख सकते हैं और अपने कंधे को पीछे की तरफ खींचते रहें। इससे आपको सही स्ट्रेच मिलेगी और आप बिल्कुल भी कोई गलती नहीं करेंगे। सो इस तरीके से हम त्रिकोणासन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं साथ में। दोनों पैरों को एक साथ लेकर आ जाइए। यहाँ से हम अपने दोनों पैरों को 2 से 3 फीट की दूरी पर खोल लेंगे। यहाँ से दाएं पैर को दाई तरफ मोड़ेंगे और आपका जो बायां पैर है वो थोड़ा सा दाई तरफ मुड़ेगा। यहाँ से दोनों हाथों को ऊपर की तरफ उठा लीजिए और सांस छोड़ते हुए दाई तरफ मोड़ेंगे अपने आप को। आपका जो दायां हाथ है वो अपने दाएं पैर के ऊपर रखें, जहाँ पे भी आप रख सकते हैं, और आपका बायां हाथ ऊपर की तरफ रहेगा। सांस लेते रहें लंबी और गहरी। एक, दो, तीन, चार, पांच, और यहाँ से धीरे से सांस लेते हुए अपने आप को ऊपर की तरफ लेकर आ जाएं। दोनों हाथों को नीचे की तरफ रिलैक्स कर लें। अब हम इसी को दूसरी तरफ करेंगे। अपने पैरों को दूसरी तरफ मोड़ लीजिए, आपका बायां पैर बाईं तरफ और दायां पैर थोड़ा सा बाईं तरफ। यहाँ से दोनों हाथों को ऊपर की तरफ उठाएंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे सबसे पहले और सांस छोड़ते हुए बाईं तरफ मुड़ेंगे अपने बाएं हाथ को अपने बाएं पैर के ऊपर, जहां पे भी आराम से आ सके वहां लेके जाएंगे, और आपका दायां हाथ ऊपर की तरफ। लंबी गहरी सांस लें और छोड़ें 5 बार। एक, दो, तीन, चार, पांच, और धीरे से सांस लेते हुए हम ऊपर की तरफ आएंगे। अपने दोनों हाथों को नीचे रिलैक्स कर लें। लंबी गहरी सांस लें 1 बार और लंबी गहरी सांस छोड़ें। यहां से हम अपने अगले आसन के अभ्यास की तरफ चलेंगे। अगला आसन सर्पासन है।
सबसे पहले हम इसका डेमोंस्ट्रेशन देखते हैं और उसके बाद हम साथ में करेंगे। सर्पासना के लिए हम अपने पेट पर लेटेंगे और पेट पर लेटने के बाद हम अपने दोनों हाथों को पीछे की तरफ लेकर जाएंगे, जिस तरीके से अभी श्वेता लेकर गई है, और आपकी जो हथेलियाँ हैं वो आपके मैट की तरफ देखती हुई रहेंगी। यहाँ से आपके दोनों जो पैर हैं वो साथ में रहेंगे और धीरे धीरे आप अपने कंधों को पीछे ले जाते हुए अपने आप को ऊपर उठाएंगे, जिस तरीके से आप अपने आप को भुजंगासन में भी उठाते हैं। इसी स्थिति को हम सर्पासन बोलते हैं। हमने इसको थोड़ा सरल बनाया है आज ताकि हम इसको सबसे पहले आपको दिखा सकें और उसके बाद धीरे धीरे हम इसको प्रोग्रेस करेंगे। सो इसी तरीके से हम करने वाले हैं सर्पासन। चलिए आप लेट जाइए अपने पेट के ऊपर और चालू करते हैं साथ में। सो पेट के ऊपर लेटने के बाद हम दोनों हाथों को पीछे की तरफ लेके जाएंगे, आपकी हथेलियाँ मैट की तरफ रहेंगी और यहाँ से सांस लेते हुए अपने कंधों को पीछे लेके जाइए, छाती को ऊपर की तरफ उठाएंगे, अपने हिप्स को थोड़ा सा टाइट करके रखें यहाँ पे, लंबी गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे पूरे 5 बार। 1, 2, 3, 4, 5 और अब धीरे से अपने माथे को मैट के ऊपर रख लेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, लंबी गहरी सांस छोड़ेंगे। यहाँ से अपने दोनों हथेलियों को अपने कंधों के नीचे लेकर आ जाएं और अपने हथेलियों से दबाव बना के अपने कंधों को पीछे की तरफ लेकर जाएंगे। हम वज्रासन की स्थिति में बैठ जाते हैं यहाँ से, और वज्रासन में बैठने के बाद अपने पेल्विस को, हिप्स को थोड़ा सा साइड में रखेंगे मैट के ऊपर और दोनों पैरों को सामने की तरफ खोल लें। इस स्थिति को हम दंडासन बोलते हैं। आप इसी में बने रहें, हम आपको डेमोंस्ट्रेशन दिखाएंगे हमारे अगले आसन के अभ्यास का, जो कि पश्चिमोत्तान आसन है। तो चलिए देखते हैं। पश्चिमोत्तान आसन के लिए हमारे दोनों पैर आगे की तरफ खुले हुए रहेंगे, दोनों पैर साथ में रहेंगे। यहाँ से अपने पैरों के पंजों को आप अपनी तरफ खींचेंगे और घुटनों को थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठा के रखेंगे। ये आपको मदद करेगा कि जब आप आगे की तरफ झुकेंगे आपकी जो कमर है वो बिल्कुल सुरक्षित रहेगी। यहाँ से लंबी गहरी सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर की तरफ उठाएंगे और सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकेंगे और अपने दोनों हथेलियों को मैट के ऊपर रख लेंगे, जहाँ तक भी वो पहुँचते हैं आराम से। इसी स्थिति को हम बोलते हैं पश्चिमोत्तान आसन। अगेन, ये भी एक सरल तरीका है पश्चिमोत्तान आसन को करने का। तो चलिए इसको साथ में करते हैं। अब दोनों पैरों को सामने ही रखें, दोनों हाथों को ऊपर की तरफ उठाएंगे लंबी गहरी सांस के साथ, घुटनों को थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठा लें और सांस छोड़ते हुए हम आगे की तरफ झुकेंगे, दोनों हथेलियां मैट के ऊपर। चलिए लंबी गहरी सांस लेंगे अब यहाँ पे 5 बार। 1, 2, 3, 4, 5 और यहाँ से बहुत ही धीरे से हम अपने दोनों हाथों को ऊपर की तरफ उठाएंगे और हाथों को नीचे की तरफ रखेंगे। यहाँ से हम अगले आसन का डेमोंस्ट्रेशन देख लेते हैं सबसे पहले, जो कि आनंद बाल आसन है। आनंद बाल आसन के लिए हमें अपने पीठ के ऊपर लेटना पड़ेगा। पीठ के ऊपर लेटने के बाद हम अपने दोनों घुटनों को अपनी छाती की तरफ पीछे की तरफ खींचेंगे, यहाँ से दोनों घुटनों को थोड़ा सा खोलेंगे और अपनी हथेलियों से अपनी एड़ियों को पकड़ने की कोशिश करेंगे, और यहाँ से पकड़ने के बाद धीरे से अपने दोनों पैरों को पीछे की तरफ खींचने की कोशिश करेंगे, और इसी स्थिति को हम बोलते हैं आनंद बाल आसन। इस स्थिति में हम 5 सांसों के लिए रुकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप अपनी पीठ पर लेट जाएं। पीठ पर लेटने के बाद अपने दोनों घुटनों को अपनी छाती की तरफ खींचेंगे, दोनों घुटनों को थोड़ा सा खोलेंगे और अपनी दोनों हथेलियों से अपनी एड़ियों को पकड़ने की कोशिश कीजिए, यहाँ से अपने दोनों पैरों को पीछे की तरफ खींचने की कोशिश करेंगे, आपकी एड़ी और आपके जो घुटने हैं वो एक साथ एक लाइन में आ जाएं तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं आते हैं तब भी कोई तकलीफ की बात नहीं है। चलिए इसको 5 सांसों के लिए होल्ड करते हैं। 1, 2,
तीन, चार, पांच। सांस छोड़ने के बाद बहुत ही धीरे से आप अपनी दोनों एड़ियों को भी छोड़ सकते हैं और अपने दोनों पैरों को सीधा कर लेंगे अपने मैट के ऊपर और दोनों पैरों को कंधों के समानांतर खोल लीजिए। दोनों हाथों को अपने कमर से थोड़ा सा दूर रखें। हम शवासन की तरफ चल रहे हैं। अपनी आंखों को बंद कर लें। अब यहाँ से हम अपने शरीर और मन को एक विश्राम की स्थिति में लेकर जाएंगे अपनी सांसों के ऊपर ध्यान केंद्रित करके। दोनों पैर आपके विश्राम की स्थिति में हैं। कोशिश कीजिए कि आप उनको होल्ड करने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। आपकी कमर पूरी तरीके से विश्राम की स्थिति में है। आपके कंधे शिथिल हैं और आपकी ठोड़ी थोड़ी सी आपके छाती की तरफ है। आप लंबी गहरी सांस ले रहे हैं और आपका पेट और छाती फूल रहे हैं। आप धीरे धीरे सांसें बाहर की तरफ छोड़ रहे हैं और आप महसूस करेंगे कि आपका पेट सिकुड़ रहा है, छाती नीचे की तरफ आ रही है। और जैसे ही आपको अपने शरीर में मन में विश्राम की स्थिति महसूस होने लगे, बहुत ही धीरे से हम अपने शरीर की कॉन्शियसनेस में वापस आएंगे। अपने पैरों के पंजों को धीरे से थोड़ा सा हिलाएंगे। उंगलियों को थोड़ा सा हिलाइए। दोनों पैरों को बहुत ही धीरे से एक साथ लेकर आ जाएं। अपने दोनों पैरों को मोड़ लेंगे हम घुटनों से और दाईं तरफ या बाईं तरफ एक तरफ आप चले जाइए, मुड़ जाइए। अपने सर को अपने हाथ का सपोर्ट दे सकते हैं आप। दोनों हथेलियों को एक साथ नमस्कार मुद्रा में लेकर आइए अपनी छाती के सामने। हम अपनी आज की क्लास को समाप्त करने के लिए और अपने शरीर और मन की स्थिति को विश्राम की स्थिति में लाने के लिए एक ओमकार और तीन शांति का जप करेंगे। अभी लंबी गहरी सांस लें। शांति शांति। धीरे से अपने हाथों को रगड़ना चालू कीजिए। दोनों हथेलियों में बहुत ही अच्छी ऊर्जा लेकर आए। इस ऊर्जा को अपने चेहरे पर लेकर आए अपने दोनों हथेलियों के साथ। बहुत ही धीरे से अपनी हथेलियों को देखेंगे मुस्कान के साथ। हमारी आज की इस हठ योग क्लास में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी आज की क्लास अच्छी लगी होगी और आप और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और फ्लेक्सिबल महसूस कर रहे होंगे अपने शरीर और मन के साथ। तो हम आपको अब अगली क्लास में मिलेंगे और ऊर्जा के साथ। हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी आज की क्लास कैसी लगी। अगले क्लास तक के लिए मेरा नाम नवीन है, ये श्वेता हैं। हम आपको मिलेंगे अगली क्लास में। नमस्ते।